Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। क्या आज तक जो हरियाणा में नहीं हुआ वो क्या नहीं हुआ कि कोई भी पार्टी हैट्रिक नहीं बना पाई? क्या बीजेपी बना पाएगी? ये सबका एक बड़ा सवाल है। कई नए मुद्दे, पहलवानों की बात हो, किसानों की बात हो, अग्निवीर की बात हो, नायब सैनी जो एक नाइट वॉचमैन की तरह माने गए वो आए, ये सारी चीजें हरियाणा में इस चुनाव को बहुत दिलचस्प बना रही। तो बीजेपी के जिसे कहते हैं ना सितारे थोड़े गर्दिश में है। जो एक माहौल लोकसभा चुनाव में था वो कम हुआ है। लोगों को लगने लगा कि अब मोदी का नाम ऐसा नहीं है कि भाई मोदी नाम आप जपो और तर जाओ। हरियाणा में चुनावों की आहट के साथ ही अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सरगर्मियां बढ़ रही हैं और साल 2019 की तुलना में अब की बार चुनाव थोड़े से भिन्न होंगे। किन पहलुओं से ये भिन्न होंगे, भिन्नताएं क्या है, क्या क्या चुनौतियां हैं, पार्टियां इस वक्त फिलहाल अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको तय करने के लिए माथापच्ची कर रही हैं। किस तरह से अब की बार मतदाताओं के विभिन्न वर्ग इन चुनावों को प्रभावित करेंगे, पार्टियों की क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने राजनीति के विशेषज्ञ और प्रोफेसर गुरमीत सिंह। प्रोफेसर गुरमीत सिंह, आप भी मानते हैं कि क्या 2019 के मुकाबले 2024 के विधानसभा चुनाव हरियाणा के थोड़े से अलग हैं? देखिए, हर चुनाव अलग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो। ये हम लोगों का काम होता है इस तरह से प्रस्तुत करना, हर बार की जैसे इस बार कुछ बहुत खास है। नो डाउट हर चुनाव में कुछ नयापन होता है। देखिए, पिछले चुनाव में अगर हम 14 से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी तो बिल्कुल अलग बात थी। अगले चुनाव में जजपा के साथ उनका अलायंस हुआ पोस्ट पोल, बहुत अलग बात थी। उससे पहले कांग्रेस ने रिपीट किया 2009 में, बहुत अलग बात थी। तो हर चुनाव देखा जाए तो अलग होता है। हाँ, इस चुनाव में भी बहुत सारी नई बातें। अगर आप कहें, सबसे पहली तो ये बात है कि दोनों के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होने की संभावना है। रीजनल पार्टीज पहली बार हरियाणा में अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं। हालांकि दोनों ही रीजनल पार्टीज ने एक अलायंस किया है। अब आप जानते हैं जजपा ने भी कर लिया आजाद समाज पार्टी के साथ, कांशीराम जी की जो नाम पे बनाई है उन्होंने, और आईएनएलडी ने बसपा के साथ अलायंस किया। तो ये उसके बावजूद वो अपने अस्तित्व के लिए ये सब लोग मान रहे हैं कि इस बार जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी में है, डायरेक्ट मुकाबला है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। क्या आज तक जो हरियाणा में नहीं हुआ वो क्या नहीं हुआ कि कोई भी पार्टी हैट्रिक नहीं बना पाई? क्या बीजेपी बना पाएगी? ये सबका एक बड़ा सवाल है। आमतौर पर धारणा यही है कि बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, वो चमत्कार होगा अगर वो बनाएंगे। तो बहुत सारी इसी तरह मैंने एक और चीज इस चुनाव में देखी मंजीत, कि कई लोग ऐसे हैं जो इस चुनाव में अपनी नई पीढ़ी को आगे ला रहे हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, भारतीय जनता पार्टी के और बहुत से नेता हैं, कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो इस बार पहली बार अपनी पीढ़ी को आगे एक तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं बेटे। तो एक तरह से ट्रांजिशन दिख रहा है। सुनने में आया कि अभय चौटाला भी शायद अपने बेटे को आगे चुनाव के लिए ला सकते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें। तो एक हरियाणा में एक जनरेशन शिफ्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे इस तरह के तथ्य हैं। 3-4 मुद्दे इतने प्रमुख हो गए हैं। अभी आपको मालूम है पहलवानों का आंदोलन पहले भी चल रहा था, लेकिन उसके बाद वो विनेश के प्रकरण के बाद और उसमें एक बाई चांस वहां पर किसी को नहीं पता था, कोई चाहता भी नहीं था ऐसा हो, लेकिन वहां होने के बाद और ज्यादा आपने देखा कि दीपेंद्र दिल्ली पहुंच गए उनके स्वागत के लिए और वो सारी चीज। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो आप पाएंगे कि कई नए मुद्दे, पहलवानों की बात हो, किसानों की बात हो, अग्निवीर की बात हो, नायब सैनी जो एक नाइट वॉचमैन की तरह माने गए वो आए, ये सारी चीजें हरियाणा में इस चुनाव को बहुत दिलचस्प बना रही। वैसे भी मैं हमेशा ये मानता हूं और मेरा ये अनुभव रहा है कि हरियाणा का आदमी राजनीति में खूब चस्का लेता है, खूब रस लेता है। आप भी पत्रकार के नाते गए होंगे कई बार, तो आप उनसे सवाल पूछते तो उल्टा आपसे पूछते हैं कि हाँ जी आप बताओ भाई क्या चल रहा है ना। तो वो है। तो हरियाणा, अच्छा दूसरा हरियाणा के मतदाताओं में जो एक ये है कि भाई अगर कोई बहुत ज्यादा अपने को समझ रहा है तो उसको नीचे गिराना है, तो वो वाली चीज भी एक हरियाणा में स्पेशल है। इस बार काफी एंटी इनकम्बेंसी की बात है। तो कई चुनावों, कई दृष्टियों से चुनाव, एक मोदी जी का अभी तक हरियाणा में ना आना, लोकसभा चुनाव के बाद वो नहीं आए, तो क्या इस चुनाव में वो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी स्टेट्स में भी उन्हीं के नाम पे वोट मांगती है, क्या इस बार वो थोड़ा कम अपने को अलग रखेंगे माहौल को देखते हुए, या वो आके इस माहौल को पलटने की कोशिश करेंगे? इन तमाम अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र का हो नहीं रहा, अभी झारखंड का अभी बाद में होगा, जम्मू कश्मीर हरियाणा में हो रहा है। जम्मू कश्मीर के हालात थोड़े दूसरे तरह के हैं, तो दिल्ली में 3 तरफ से सबकी अब निगाह इस बात पर है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है तो ये भी लोग मान रहे हैं कि आने वाले समय के लिए एक ट्रेंड सेटर हो सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आपको ये पाओगे कि इस बार बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे चाहे पत्रकार हो या हरियाणा के लोग हों या देश के लोग हों या विश्लेषक हों, उन सब की निगाह रहेगी और ये सब एनालाइज होगा। लेकिन अभी तो चुनाव शुरू होना, अभी उम्मीदवारों की घोषणा के बाद, अभी तो जैसे हम कहते हैं कि वर्जिश कर रहे हैं सब पहलवान, जब वो शुरू होगा उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी तब ज्यादा क्लियर होगा। आपने कहा जनरेशन शिफ्ट देखने को मिल सकता है, बहुत सारे नेता अपनी अगली पीढ़ी को चुनाव के मैदान में उतारना चाहती है और कहीं ना कहीं हमने भी ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं जो अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह आरती के लिए टिकट मांग रहे हैं, या फिर श्रुति चौधरी की जो माता है हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में गई है वो उनके लिए टिकट मांग रही हैं, और दूसरे भी कई ऐसे नेता हैं जो टिकट मांग रहे हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर परिवारवाद का विरोध करती आई है, आपकी बार कहीं कहीं इसको सेक्रीफाइस करने वाली? कोई पार्टी इससे मुक्त है ही नहीं, कोई पार्टी इससे मुक्त नहीं है कि अगर आप कहें कि परिवार उसमें नहीं है। आज की तारीख में पहली बात तो अब वो अंतर रह ही नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी में तो कितने ही नेता आप कांग्रेस के आ चुके हैं, सिमिलरली और पार्टियों में भी ऐसा ही है। तो पीछे जजपा के जो अध्यक्ष हैं वो तो एक इंटरव्यू मैंने सुना, वो कह रहे थे हमारी तो ट्रेनिंग पार्टी है, टीटीपी है, ताऊ ट्रेनिंग पार्टी, तो हमारे यहाँ से लोग दूसरी जगह जाते हैं। तो अब वो पहले वाली स्थिति तो वैसे भी नहीं रही क्योंकि हर पार्टी में ये चीज बहुत सामान्य हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश जरूर की थी लेकिन दबाव इतना था। राव इंद्र, देखिए आप एक और बहुत रोचक तथ्य मैं आपको बताऊं, नायब सैनी को ओबीसी का नेता प्रोजेक्ट करके लाए, लेकिन क्या नायब सिंह ओबीसी, केवल सैनी कम्युनिटी नहीं है, यादव भी ओबीसी हैं, तो क्या अहिरवाल में नायब सिंह सैनी का कोई असर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, वहां अभी भी राव इंद्रजीत ही बड़ा नाम है। तो अब राव इंद्रजीत अगर अपनी बेटी के लिए, अब तो ये खबरें आ रही उनकी को 2-2 सीटें उनके लिए रिजर्व रखी गई, और आज मैंने ये पढ़ा कि उनके चाचा ने ये कहा है कि भाई तुम इस सीट से मत आना नहीं तो परिवार में झगड़ा होगा। तो इस तरह की सिचुएशन है। और उसके अलावा भी मैंने सुना है कि और भी नेता कई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं, कृष्णपाल गुर्जर के लिए भी शायद कह रहे हैं, बहुत और नेता है जो नेक्स्ट जनरेशन को आगे लाना चाहते हैं। तो इसलिए अब ये वाली बात तो खास रही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो वन फैमिली में वन टिकट वाली जो बात थी वो अब नहीं माने रहेगी, क्योंकि अभी आपने देखा किरण चौधरी को राज्यसभा दी और अब उनकी बेटी की टिकट ऑलमोस्ट पक्की मानी जा रही। रणबीर महिंद्रा अपने बेटे को अनिरुद्ध को वहां पे मुकाबला तो शाम में उनके बीच होने, कजिन्स के बीच होने की संभावना। तो बहुत सारे ऐसे नए नेता इस बार, नए नाम आ रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा जब टिकटें अनाउंस हो जाएंगी तभी ये हम बहुत स्पष्ट रूप से एनालाइज कर पाएंगे कि कितने लोगों ने परिवारों से सीट दी है या एक से अधिक लोग पार्टी के परिवार में, परिवार के राजनीति में है। लेकिन अनुमान यही है कि ये रूल चल नहीं पाएगा। हरियाणा में दो वर्ग ऐसे हैं जो चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, चाहे वो दलित वर्ग के मतदाता हों या फिर जाट मतदाता हों। हमने देखा लोकसभा चुनाव में जाट मतदाता कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर गए, और यही नहीं कांग्रेस ने अब की बार भारतीय जनता पार्टी की जो गैर जाट राजनीति थी उसको भी तोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि दलित और दूसरे ओबीसी कैटेगरी के मतदाता भी उनकी झोली में गए हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस अब की बार सत्ता में लौटने के लिए लालायित है और कुछ भी करना चाहती है, चाहे आपकी बार सुनने में आ रहा है कि वो कुछ सिटिंग एमएलए के टिकट काट सकती है, या फिर वो अप्रोच कोई नहीं मानेगी, या फिर जिन नेताओं की पिछले चुनाव में जमानत जब्त हुई थी उनको भी टिकट नहीं मिलेगा। तो इस तरह की साम दाम दंड भेद की पूरी नीति अपनाकर पूरी तरह से कोशिश करेगी वो सत्ता में लौटे। और वहीं भाजपा भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश है, हर एक कंस्टिट्यूएंसी पर फोकस किया जा रहा है कि उम्मीदवार बिल्कुल दमदार हो जो टक्कर दे, सबकी ज्यादा से ज्यादा सीटें आए। देखिए इन सारे प्रश्नों पे जब टिकट अनाउंस होगी सही तस्वीर तो तब पता लगेगी, लेकिन एक बात आप मान के चलो कि सिफारिश के बिना तो राजनीति चल ही नहीं सकती। तो ये कहना कि राजनीति बिल्कुल मेरिट पे चलेगी वो तो नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कोई भी जब मैच होता है उसका रिजल्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक टीम होती है जिसको फेवरेट बोला जाता है ना। फेवरेट इस चुनाव में कांग्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो कोई कांग्रेस बहुत कांग्रेस ने कमाल कर दिया इसलिए नहीं, 10 साल से बीजेपी सत्ता में, उसकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। और कुछ ऐसे मुद्दे हो गए जो किसान आंदोलन, वो किसान आंदोलन तो केंद्रीय सरकार के हाथ में था। कुछ अब बयान ये देखिए है ना, जो कंगना रनौत का बयान आ गया, तो बीजेपी के जिसे कहते हैं ना सितारे थोड़े गर्दिश में है। जो एक माहौल लोकसभा चुनाव में था वो कम हुआ है, लोगों को लगने लगा कि अब मोदी का नाम ऐसा नहीं है कि भाई मोदी नाम आप जपो और तर जाओ, वो नहीं है। तो ये कई चीजें हैं, तो उसकी वजह से कांग्रेस पास अभी बहुत मजाक में ज्यादातर लोग, खासतौर पर मैं देख रहा हूँ दिल्ली मीडिया में ये बात बड़ी लाइन चल पड़ी कि कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है, बीजेपी तो हार रही है इस तरह से। तो लेकिन चुनाव, जो भी चुनाव हो वो दिलचस्प होता है, चीजें बदलती भी हैं, उम्मीदवार कितने बागी आएंगे क्या आएंगे, बट हाँ कांग्रेस हरियाणा में सत्ता की वापसी की उम्मीद में है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप आवेदनों की संख्या देख लीजिए, आप उनके घरों में भीड़ देख लीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के एक दिन में देख रहा था टेलीविजन में, आप लोग दिखा रहे थे कि 2500 लोग 2000 लोग उनके वहां जमाए। तो ये होता है। और 10 साल वो सत्ता से बाहर रहे और वो भी 14 में बुरी तरह हारे थे, आप जानते हैं। INLD से भी पीछे चले गए थे। तो यही राजनीति है, कभी जमीन में कभी आसमान में ऐसे चलता है। तो कांग्रेस अब एक ट्रैक पे है वापसी के। अगर कांग्रेस इलेक्शन अच्छे से लड़ती है, अपनी गुटबाजी को काबू करती है, उम्मीदवारों में मेरिट पे फैसला करती है, तो कांग्रेस सत्ता में वापस आ सकती है। ये लगभग हरियाणा में एक माहौल बना हुआ है और चुनाव अक्सर माहौल से लड़ा जाता है। उसमें फिर ये जो कास्ट एंगल है या नॉन जाट जाट का डिवीजन है या ये सारी चीजें थोड़ी गौण हो जाती है। आपने कहा कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं। वही एक बड़ा फैक्टर है क्षेत्रीय और जातीय समीकरण। हमने देखा कि अब की बार एक तरफ जो INLD था उसे बटी हुई पार्टी जननायक जनता पार्टी है, वो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से गठबंधन कर रही है और वहीं उन्हीं के परिवार की INLD के जो चौटालाज हैं वो बसपा के साथ समझौता कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे जो दलित मतदाता है, जिसकी संख्या जाटों से बिल्कुल आसपास मानी जाती है, वो अब की बार बट जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर पहली बात तो आप ये मान के चलो कि जो पिछली बार था या 14 में था उसकी तुलना में इस बार वोट बटेगा नहीं। बीजेपी का जो एंटी वोट है, क्योंकि जनपा और इनेलो तो आपस में एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। और उनके आप बयान पढ़िए, उनके इंटरव्यू पढ़िए, उनमें आपस में बहुत अभी भी एनोमिस्टी है। मतलब वो अभी भी उनमें एक प्रकार का रंजिश जैसा भाव है, राजनीतिक रंजिश कहेंगे उसको, है तो एक ही परिवार है। तो उनका तो मुकाबला उस तौर पे, क्योंकि अब उन्होंने आजाद वाली पार्टी से अलायंस कर लिया है और उन्होंने बसपा से कर लिया है। हालांकि बसपा पिछले काफी समय से हाशिए पे मानी जा रही है, पहले भी अलायंस हो चुका है INLD और BSP का, मैं आपको बताऊं। तो आम आदमी पार्टी भी है अभी तस्वीर में। ये लोग तीनों मिलके कितना वोट काट पाएंगे, खासतौर पर एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी के खिलाफ का वोट है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल संभावना ऐसे लग रही है कि जैसे लोकसभा चुनाव में मुकाबला डायरेक्ट था ना, कोई और पार्टी उसमें अपनी मौजूदगी अच्छे से नहीं दिखा पाई, उसी तरह से। और तब तो चलो अलायंस था तो कांग्रेस का उम्मीदवार कुरुक्षेत्र में था ही नहीं, तो सुशील गुप्ता को तो वोट आने ही थे। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कंटेस्ट डायरेक्ट है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जब उम्मीदवार आएंगे अगले एक महीने में क्या घटनाक्रम होंगे, मैंने आपको बताया ना। एक बयान आया है और बहुत लोग ये कह रहे हैं, फिलहाल कम से कम बीजेपी के नेताओं से भी आपने बात की होगी कि भाई नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। तो बयान इस तरह का है और इसीलिए बीजेपी को नेशनल लेवल पे उससे किनारा करना पड़ा। तो इसलिए आने वाले समय में ये तय होगा जो आप बात कह रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जो ज्यादा जो हम वोट कटुआ बोलते हैं पार्टी, वो इस बार कुछ खास वोट कटुआ पार्टी होगी नहीं। और कांग्रेस भी यही चाहती है कि वोट ना बटें। अगर कांग्रेस को जो एंटी बीजेपी वोट है, गवर्नमेंट का जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, बीजेपी क्या वो कोई भी गवर्नमेंट होती है उसका एंटी इनकम्बेंसी, वो वोट भी मिल गया तो कांग्रेस के लिए राह आसान है। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। ये थे प्रोफेसर गुरमीत सिंह, जिन्होंने बारीकी से हमें समझाया कि अब की बार कांग्रेस के पक्ष में हवा जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन उसके चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। टिकटों के आवेदन बहुत ज्यादा आए हैं। कांग्रेस टिकट आवंटन के बाद जो असंतोष की भावना भड़केगी अपने नेताओं में, उसको किस तरह से काबू रख पाती है। यानी दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद अभी तक हरियाणा में नहीं आए हैं। और वैसे आप इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे की बात करें तो उसमें 51% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बताया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में 41% लोगों ने अपना मत दिया। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में अब की बार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ सकती है। और वहीं कांग्रेस अब की बार दमदार नजर आ रही है। और एक और बड़ी बात जो उन्होंने एनालिसिस करके बताई वो ये कि एंटी बीजेपी जो वोट है वो कांग्रेस उसको शायद संभाल पाए। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे जननायक जनता पार्टी की बात ले लीजिए, INLD की बात ले लीजिए, वो अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं। तो फिलहाल सभी पार्टियां टिकटों के लिए माथापच्ची कर रही हैं, किसको देना है किसको नहीं देना है, किसका काटना है, कौन सा दमदार है कौन सा कमजोर है। लेकिन अब की बार के चुनाव पिछले चुनाव की तरह, जैसा कि प्रोफेसर ने कहा, कि भिन्न है लेकिन दिलचस्प रहेंगे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।